आज कह रहे हैं वो आते ही बैठना जरूरी है बस। पूरा साल करे तो भी सुकून नहीं गया जी लोग। इसलिए कि बैनर्स आ रहे हैं 7 बजे से आज के वक्त ना बैनर्स पहुंच रहे हैं, उसके बाद में आप हमारा तस्वीर सामने के हिस्से में खड़े हुए हैं नजर से पीछे की जाने से खड़े हुए पीछे होते जाइए पैर उधर दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए जहाँ है वहाँ बैठ जाए तो बैठ जाइए भाई जहाँ है वहाँ मेरे बिरादरा ने अजीज जहाँ है वहाँ खुशी भाई थोड़ा जगह दी थोड़ा अपना बिछड़ जाओ सब देने बैठे कोई खड़े मामला इजाजत बस उसी को कंटिन्यू करेंगे। तकरीरों का सिलसिला कुछ मजीद बेचैनी पैदा कर रहा है, इसलिए इंशाल्लाह फिर कभी तकरीर का मुकाबला करेंगे। इस वक्त आप हजरात और हम खामोशी से ही उनको जितना जवाब देना है देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब हमारी कोई तकरीर नहीं होगी। बैठ जाओ। जो पाकिस्तान में जो वाकया रोलमा हुआ, खवाराना रंग देने की कोशिश की, उसकी भी हम और पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा की उसमें शामिल हैं, उनको कैफरे और पाकिस्तान के कानून के तहत उन्हें फौरी नेड़ो JNU लो गुंडाला द्वारा स्टूडेंट्स को महिला कुट्यारो దౌర్జన్యం చేయబడ్డది ఈరోజు సంస్థలు ఖండించడానికి మరియు నిర్వహించాము. అదేవిధంగా గురుద్వారాపై ఏదైతే సంఘటన జరిగిందో దానికి కూడా మేము ఖండిస్తున్నాము. అదే సంబంధాలు సత్సంబంధాలు ఏర్పడ సిక్కుల మరియు ముస్లింల మధ్య చిచ్చు పెట్టడానికి మరియు దానికి మేము ఖండిస్తున్నాము. ఎవరైతే అందులో ఇన్వాల్వ్ ఉన్నారు జవాహర్లాల్ యూనివర్సిటీ
तलबा पर जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े हैं, बरकतों से वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। इस इंसान की फितरत है और तारीख ये बताती है कि नौजवान खत्म कर देता है, इसलिए हम हुकूमत हिंद से की निगरानी में यूनिवर्सिटी बंद करें, वरना ये तहरीक इंशाल्लाह उस मंजिल। ग्राउंड पर कल शाम में JNU में जवाहरलाल नेहरू सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में जो फस्ताई कुवतों के गुंडों ने, BJP के गुंडों ने जो तलबा के साथ में बर्बरियत की, तालिबात के हॉस्टल के अंदर घुसकर दाखिल होकर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और कई प्रोफेसर्स और खातून प्रोफेसर्स को उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया और उन पर खातिलाना हमले किए गए, और जो हमला आवर थे वो पुलिस की निगरानी में फरार होने में कामयाब हो गए। ऐसे वीडियोस और ऐसे तमाम फोटोजेस अखबारात के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर वायरल हुए हैं। आज हम सब लोग ज़िम्मेदारान कौम व मिल्लत और मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग और लेफ्ट पार्टीज़ के लोग, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कायदीन मिल्लत सब यहाँ पर उन तलबा के साथ में इजहार यगानगत करने के लिए और फिर गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ मजम्मत करने के लिए यहाँ हम सब धरना मुनज़्ज़म किए, और बहुत पुरअमन तरीक़े से हमने ये पैगाम मरकज़ी हुकूमत को देने की कोशिश की कि कोई भी हुकूमत शिर्क के साथ तो चल सकती है लेकिन वो ज़ुल्म के साथ में नहीं चल सकती, और इस ज़ुल्म को आप ख़त्म कीजिए। और फिर हम इस बात का भी मुतालबा करते हैं के मुल्क में अमन व अमान को बाकी रखें। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि वो एहतजाज बामाना एहतजाज है, ज़ुल्म और सितम के ख़िलाफ़ में एहतजाज है, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एहतजाज है, इंसानियत के ख़िलाफ़ में एहतजाज है। हम चाहते हैं कि इस एहतजाज के अंदर तशद्दुद ना हो, ज़ुल्म ना हो, और ज़ुल्म के ख़िलाफ़ में हम यहाँ पर जमा हैं। ये बुजदिली की अलामत है, अगर हिम्मत ताज़ा करते तो ये सब नहीं चलेगा। ये सब ये जो चाहते हैं कि इंडिया को बांटना मुल्क के नाम पर, मजहब के नाम पर, ये बांट रहे हैं, और इन लोग की हमेशा एक चाल होती है कि किसी भी चीज़ में अंदर घुसा देते हैं। लोग जब उस तरफ मुतवज्जे होते हैं तो इकोनॉमिक्स को गिराते या जो है सो मुल्क का पूरा चोरी करते, पूरा खजाना चोरी कर लिया इन लोगों का। ये सब जो है सो उन लोग की साजिश है। मुल्क की एक तरफ इकोनॉमिक GDP सब गिर रहा और इन ना इधर CANRC में जो है सो अंदर लोगों को भटका के रखे। ये सब यही है कि इन ना जो 6 साल में जो नाकामी हुई उनको छुपाने के वास्ते CAA और NRC और NPR लाजिम करे, और जबी भी मुद्दा इकोनॉमिक्स की तरफ जाता तो इन ना क्या करते, कहीं दंगे करा देते, कभी लड़ाई करा देते। इससे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हुआ और अब जो है सो JNU में, तो हम लोग को साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन लोग का धीरे धीरे करके हर जगह
पहले कश्मीर में हुआ, कश्मीर में जब लोग क्या बोले, अरे कश्मीर में हुआ ना, इधर नहीं आता, लेकिन फिर दिल्ली में हुआ, यूपी में हुआ और आसाम में हुआ। तो साथ होना चाहिए, हर इंडियन को चाहिए कि अपनी आवाज़ को बुलंद करे। हो सकता है कि कल हैदराबाद में हो जाए, इसलिए उससे पहले, वक्त से पहले तैयारी करनी चाहिए हम लोग। साथ में एक है, अगर स्टूडेंट एक स्टूडेंट को मार पड़ेगा तो याद रखो पूरे इंडिया के स्टूडेंट, पूरे इंडिया का वर्ल्ड के स्टूडेंट साथ में रहेंगे। इतना क्या समझ रहे हैं स्टूडेंट को, स्टूडेंट की वजह से ये सब इंडिया का माहौल है पूरा। इस वजह से स्टूडेंट को मारना नहीं चाहिए। आपको जो भी मसला है खुलेआम जाहिर करो, ये स्टूडेंट के ऊपर, ये मजलूमों के ऊपर वार करके क्या साबित करना चाह रहे हैं कि ये बुजदिल कौम है। ये जो मोदी और आरएसएस के हुंडे, ये सब कभी सामने नहीं आते। अगर हिम्मत है तो सामने आके करो, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे उसका क्या करते हैं। शिफा का मैदान है और यहाँ पर आने वाले हर एक इंसान यहाँ जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने के लिए जमा हुए हैं। हम ये साफ़ तौर पर कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। वो साजिश ये है कि तालीम को ख़त्म किया जाए और गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जाए। हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और इसका बड़ा नुकसान पूरे मुल्क को होगा। नुकसान ये होगा कि ये मुल्क जलील हो जाएगा, यहाँ इकोनॉमी यहाँ की ख़त्म हो जाएगी और पूरे आलम के अंदर ये सबसे बड़ा दहशत गर्दाना मुल्क होगा। इसलिए हम दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हैं और हम साफ तौर पर सवाल करते हैं कि जब अगर कोई आपको, आपके मतलब के शख्स के हाथ में अगर आपको डंडा नज़र आता है तो आप बग़ैर सोचे समझे उसको आप दहशत गर्द करार देते हैं। ये पढ़ने वालों के लिए, तालीम हासिल करने वालों के लिए, जो लोग मुल्क का मुस्तकबिल हैं, आज उनके सरों को मारकर उनके भेजे नज़र आ रहे हैं और आपको एहसास नहीं होता। और बीजेपी गवर्नमेंट सिर्फ एक कमेंट या एक ट्विटर पर एक ट्वीट कर इत्मीनान जाहिर करती है कि हम इसके ख़िलाफ़ हैं। हम ये कहते हैं, जिस तरह इस मुल्क के होम मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि पुलिस को डंडा चलाने का इख्तियार है और हिंसा मुल्क में नहीं होनी चाहिए, ये आपका काला चेहरा हम आज सामने ला रहे हैं। ये जो कल बड़ी हिंसा हुई है, जो पुलिस के आंखों के सामने हुई है, कि आप इसकी निंदा करने के लिए सामने नहीं आएंगे, आप ये बुजदिलाना हरकत कर रहे हैं। इंशाल्लाह पूरे मुल्क के जो भी, जो आज किसी भी शख्स के हाथ में वो किताब जो गांधी ने थमाकर इस दुनिया से वो रुखसत हुए थे, और अंबेडकर ने जो किताब संविधान की और तालीम की देकर इस दुनिया से वो चले गए हैं, आप इन किताबों को छीनना चाहते हैं। देखिए, तालीम के अंदर जो ताकत है वो किसी दूसरी चीज़ के अंदर ताकत नहीं है, और ये तालीम आपकी लगाई हुई आग को बुझा कर रहेगी, और ये तालीम का एक पानी चलेगा जो आपकी लगाई हुई पूरे आग को बुझाएगी और आपके नापाक इरादे ख़त्म होंगे। आज पूरे लोग जुल्म के खिलाफ खड़े हैं। हम ये कहते हैं, जामिया तेरी जुरत को सलाम। जामिया के बहनों, जामिया के भाइयों, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज जो आपके ऊपर जो परेशानी आ रही है, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं और आपके जज्बे को सलाम।